नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम 230 mm बाय 400 mm इफेक्टिव। स्टूडेंट देखो ना, ये क्या है, स्मॉल बी 230 mm, स्मॉल डी 400 mm, ओके, इज रेनफोर्स्ड विथ 4 bars ऑफ 20 mm डायमीटर। देखो ना, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बोला है ना, मतलब ये क्या है, एएसटी ना, एएसटी इक्वल टू 4 bars ऑफ 20 mm डायमीटर, मतलब 4 × π/4 20 square। सो देखो स्टूडेंट, स्मॉल बी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, एएसटी गिवन है, बाकी मटेरियल देखो M15 एंड Fe415। M15 मतलब FCK गिवन है, Fe415 मतलब FY गिवन है, यहां तक ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो, द बीम इज सब्जेक्टेड टू फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ 60 kN/m, मतलब हमें MU गिवन है, MU गिवन है, ओके। फाइंड क्या करना है, देखो, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कॉन्क्रीट। देखो ना, मैक्सिमम स्ट्रेसेस मतलब एक्चुअल स्ट्रेस इन द स्टील एंड कॉन्क्रीट। बेसिक कंसेप्ट क्या है देखो स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो गिवन बीम है ना, इस बीम पे लोड अप्लाई किया है, ड्यू टू दैट लोड इस बीम में क्या तैयार हो गई है, फैक्टर्ड मोमेंट तैयार हो गई है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे कंसेप्ट क्या है, देखो ये जो 50 Nm/mm² है ना, ये क्या है, कॉन्क्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है ना। 415 क्या है, स्टील की मैक्सिमम स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी। बट अभी यहां पे जो एक्चुअल लोड अप्लाई किया ना स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस लोड यहां पे ना कॉन्क्रीट में जो स्ट्रेस तैयार हुआ है 100% क्या है, 15 या फिर 15 से लेस होगा, ठीक है ना। स्टील में जो स्ट्रेस हो गया ना, एक्चुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द स्टील फॉर गिवन लोडिंग, और एक बार फॉर गिवन लोडिंग यहां पे जो स्ट्रेस तैयार हो गया है वो स्ट्रेस क्या है, 415 से क्या है, लेस है, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, एक्चुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द कॉन्क्रीट एंड एक्चुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द स्टील फाइंड करना है, ओके। सो हमारी प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलक्यूलेट XU, XU मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। एक्सट्रीम टॉप एज से न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन मतलब XU हम फाइंड करेंगे जनरल मेथड से, ठीक है। अब XU फाइंड करने के बाद ना, पहले फाइंड करेंगे एक्चुअल स्ट्रेस इन द स्टील मतलब FY। सो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, देखो MU इक्वल टू TU इनटू Z, ठीक है ना। TU मतलब 0.87 FY AST, Z मतलब D माइनस 0.42 XU। अब देखो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में ना MU मतलब एक्चुअल फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बीम जो गिवन है, ठीक है ना, तो अननोन क्या है, FY। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हमें FY कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट देखो वैल्यू कितनी मिली है, 222.58 ना, मतलब देखो ना, मतलब क्या है, अभी देखो क्वेश्चन में जो गिवन है ना, क्या है, 415 Nm/mm², ये क्या है, स्टील की मैक्सिमम स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी है, बट फॉर गिवन लोड, यहां पे स्ट्रेस कितना तैयार हो गया है, 222.58 Nm², ये क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द स्टील। अब देखो स्टूडेंट्स, जनरल है, जब हम यहां पे ना इस बीम पे लोड इंक्रीज करेंगे तो FY की वैल्यू इंक्रीज होती जाएंगी, एंड जब हम मैक्सिमम लोड अप्लाई करेंगे ना, तो उस केस में स्टील में कितना स्ट्रेस तैयार होगा, 415 Nm/mm². सो लास्ट एक बार बताता हूं, ये क्या है, स्टील की कैपेसिटी है मैक्सिमम स्ट्रेस कैरी करने की, और इस केस में एक्चुअल स्ट्रेस इतना तैयार हो गया है, क्लियर ना, दिस इज अबाउट स्टील। अब सेम हमें क्या करना है, कॉन्क्रीट में एक्चुअल स्ट्रेस कितना तैयार हो गया है फाइंड करना है, ओके। सो हमारी नेक्स्ट स्टेप देखो, हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो, टू फाइंड एक्चुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द कॉन्क्रीट। अब यहां पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यहां पे कॉन्क्रीट की जो एक्सट्रीम एज होती है ना स्टूडेंट्स, कॉन्क्रीट की
जो सबसे बाहर वाली टॉप मोस्ट एज होती है ना, उसमें कितना स्ट्रेस तैयार होता है याद रखो, 0.446 FCK, 0.446 FCK. So, इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले FCK फाइंड करना पड़ेगा. ओके, सो कौन सा फॉर्मूला, MU इक्वल टू CU इनटू Z. CU का फॉर्मूला 0.36 FCK XU इनटू B. Z मतलब D माइनस 0.42 XU. अब यहां पे ना MU तैयार है, तो अननोन क्या है स्टूडेंट्स, FCK. क्या है, FCK. ठीक है, सो बाकी सब तैयार है, सो FCK फाइंड करेंगे. अब देखो FCK इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द कॉन्क्रीट. एक्चुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द कॉन्क्रीट क्या होता है, 0.446 FCK. ओके, सो एक्चुअल एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट का फॉर्मूला 0.446 FCK. मैंने FCK की वैल्यू पुट अप किया, सो दिस इज क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द कॉन्क्रीट. क्लियर ना स्टूडेंट्स. और एक बार बताता हूं, क्वेश्चन में जो FCK इक्वल टू 15 गिवन है ना, ये क्या है, कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी है. बट फॉर द गिवन लोडिंग कंडीशन यहां पे कंक्रीट में कितना स्ट्रेस तैयार हो गया है, 3.588 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इतना स्ट्रेस तैयार हो गया है. क्लियर ना स्टूडेंट्स, ये क्या है स्ट्रेस. अब देखो स्टूडेंट्स, अभी इस एग्जांपल में तो नहीं फाइंड करना है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए देख लो, अगर आपको एक्चुअल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द स्टील फाइंड करना हो, एक्चुअल स्ट्रेन बोल रहा हूं नॉट स्ट्रेस, स्ट्रेस तो मैंने एक्सप्लेन किया है, एक्चुअल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द स्टील, तो एप्सिलॉन SU फॉर्मूला क्या है, FY अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002. यहां पे ना स्टूडेंट्स FY की वैल्यू कौन सी पुट अप करेंगे, एक्चुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द स्टील, FY की वैल्यू वो पुट अप करना है. ES स्टील के लिए E की वैल्यू क्या होती है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ES 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. FY कौन सा, एक्चुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द स्टील, वैल्यू पुट अप करो हमें एप्सिलॉन SU मतलब एक्चुअल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द स्टील मिल जाएगा. एंड फाइनली एक्चुअल स्ट्रेन इन द कॉन्क्रीट फाइंड करना हो, तो थ्योरी भी मैंने आपको बता दिया है, क्या है, एप्सिलॉन CU अपॉन XU इक्वल टू एप्सिलॉन SU अपॉन D माइनस XU. देखो ना एप्सिलॉन SU यहां पे तैयार हो गया, XU स्टेप वन में फाइंड किया है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम एप्सिलॉन CU मतलब एक्चुअल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द कॉन्क्रीट हम फाइंड कर पाएंगे. क्लियर ना, ये वाला एग्जाम्पल ना स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कंसेप्ट के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना. सो इसको ना आप दो बार सॉल्व करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू.